नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसमें जो पुलिस विभाग है वह 6300 पदों की जो मांग रखने वाला है कैबिनेट के सामने, तो इसको मंजूर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने पहले ही बोल चुका था कि वित्त की समस्या है। ठीक है, इस वजह से इसमें कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार जो है कैबिनेट ने 6300 पुलिस के जो पद हैं उनको मंजूर कर लिए हैं और इनकी भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से के अंत तक देखते रहें तो मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेबल की कितने पद हैं इसमें, एसआई के कितने हैं और इसमें यातायात पुलिस मतलब कि ट्रैफिक पुलिस के इसमें कितने पद आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जो टोटल पद हैं वह हैं 6300। कितने हैं? 6300 टोटल पद हैं। ठीक है, पुलिस विभाग में हम देखते हैं यहां पर सिपाही स्तर के मतलब कि कांस्टेबल स्तर के जो पद हैं इसमें 3007 पद है, मतलब कि पिछले बार से बहुत कम पद इसमें इस बार रिलीज किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर हेड कांस्टेबल या फिर उसके समकक्ष जो पद आने वाले हैं वह आने वाले हैं 1636 पद। ठीक है, कितने पद दोस्तों? 1636 पद इसके रहेंगे। आगे हम देख लेते हैं यहां पर एएसआई स्तर के, ठीक है, मतलब कि सिंगल स्टार जो होता है इसके जो पद आने वाले हैं वह हैं 445 पद। नेक्स्ट हम देखते हैं सूबेदार के जो टोटल पद रहेंगे वह रहेंगे 72। इसी तरह हम देखें एसआई के मतलब कि सब इंस्पेक्टर के जो पद होने वाले हैं वह आने वाले हैं 155। दोस्तों, इसमें जो सूबेदार और एसआई के पद साथ में ही निकलते हैं इसमें। ठीक है, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट यहां पर कि यातायात पुलिस ट्रैफिक पुलिस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसके लिए तैयार रहिएगा आप। इसके जो है 620 पद इसके इस बार रिलीज होने वाले हैं। इसी तरह हम देखें कि बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए यहाँ पर 144 पद इसके निर्मित किए गए हैं। ठीक है, मतलब 44 पद इसमें वैकेंसी निकलेगी। इसी तरह मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए 32 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी और एटीएस के लिए जो है 45 पद यहाँ पर दिए गए हैं। कितने? एटीएस के लिए 45 पद यहां पर स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों, ये रही पद की बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें यहां पर देखिए स्पेशल ब्रांच की भी इसमें 52 पद हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इसका नोटिफिकेशन के। ठीक है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। यदि कैबिनेट ने पद मंजूर कर दिए हैं तो वह इसको डिले क्यों करेंगे, पहली चीज। तो दोस्तों, इसके जो नोटिफिकेशन रहेगा इसकी संभावना है कि इसी महीने के अंत में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता है पीईबी मतलब कि व्यापम एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वह सिर्फ 1 से 1.5 महीने का समय देता है एग्ज़ाम के लिए। तो मतलब आप मान के चलिए यदि अगस्त के लास्ट में भी इसका नोटिफिकेशन आया, सितंबर के फर्स्ट वीक में भी इसका नोटिफिकेशन आया, तो इसका जो एग्ज़ाम है वह लास्ट मतलब इलेक्शन से पहले पहले इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। मतलब वोटिंग से पहले पहले मतलब कि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के पहले वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा है इसका नोटिफिकेशन। तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी में लग जाइए। हम इसी चैनल में जो है सारे व्यापम से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, चाहे कि जेल बहरी हो, कॉन्स्टेबल हो, एसआई हो और अभी जो संविदा शिक्षा एग्ज़ाम होने वाली है, सारी की तैयारी हम इसी चैनल के माध्यम से करवाते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दी है उसको दबा के और उसके बाद में घंटी के निशान भी हिट कर दो, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निरंतर मिलता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।